दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएसडी में। तो दोस्तों कैसा रहा आपका आज क्लरिकल का एग्ज़ाम? तो क्या आप सेक्रेटरीट पहुंचने वाले हैं या नहीं पहुंचने वाले? अगर मैं बात करूं, अगर आपने सिर्फ पीएसडी के वीडियो देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आपका यहां तक सेक्रेटरीट तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत कम ही क्वेश्चन पीएचडी के वीडियो से आए थे। अगर जो पूरी तरह से पीएचडी के वीडियो पर निर्भर था वो बिल्कुल भी सिलेक्टेड नहीं हो सकता, बता देता हूँ पहले ही। लेकिन मैंने साथ के साथ, यदि आपने पीएचडी के वीडियो सही से देखे होंगे, तो पीएचडी में बताया भी गया था कि आपको पीएचडी के वीडियो पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहना है। ये आपको गाइडेंस देता है आपको किस तरह से पढ़ना है, और मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि रिपीटेड क्वेश्चन, और आप अगर क्वेश्चन पेपर देख गए हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको मतलब क्वेश्चन ध्यान है, तो आपने देखा कि सारे अब क्वेश्चन भी देखेंगे आप तो सारे ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि हिमाचल के एग्ज़ाम से ही आएंगे। मैं मेरा बोलने का मतलब, रिपीटेड का मतलब होता है कि जो मतलब क्वेश्चन बने हुए होते हैं, किसी ना किसी कहीं ना कहीं स्टेट में आए हुए होते हैं एग्ज़ाम में, जैसे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, ठीक है। तो मतलब अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, इजी या टफ, उस पे मतलब यहाँ पे चकमा खा जाएगा कोई भी बताने में कि आसान था या मुश्किल था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लोग कम अटेम्प्ट मतलब कम सही होते हैं आपके, तो मुझे लगता है तो मुश्किल था पेपर। बट ये डिपेंड करेगा कि आपकी अप्रोक्स मतलब लगभग लोगों ने कितना अच्छा स्कोर किया है, वो उस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अगर ऐसा देखा जाए तो कुछ चीज़ें काफ़ी डेप्थ है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी काफ़ी सामान्य सी आई थी, कम क्वेश्चन थे, और इंग्लिश भी सीधे सीधे मतलब जिसकी इंग्लिश है तो वो कर रहा था उसको इजीली, ठीक है। और जो एचपीजीके भी ठीक है, और चीज़ें जो ये ज्योग्राफी वगैरह के थोड़े से कुछ क्वेश्चन ठीक है, कुछ थोड़े से, और साइंस के थोड़े से मुश्किल भरे हैं, है ना। और करंट अफेयर्स सीधी सीधी पूछी गई थी, अगर अपडेटेड थे, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अपडेटेड कोई नहीं रहता, और इतनी ज़्यादा अच्छी से प्रिपरेशन कोई भी नहीं करता, लेकिन जो करता है वो फाइनली सिलेक्टेड होता है, ठीक है। और वैसे मतलब क्वेश्चन का अगर लेवल के बात की जाए तो मतलब यही बोलेंगे यार, इजी तो नहीं था, ठीक है। तो चलिए आंसर की बनाई है मैंने, तो मिला दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर। ये सीरीज सी है, सी सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, तो शुरू करते हैं। हॉर्टिकल्चर सर्वाधिक फैली हुई है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण एशिया की मुख्य खाद्य फसल है। तो दोस्तों जो दक्षिण एशिया, साउथ एशियन कंट्री हैं, जैसे अब हम भारत वाले भी हो गए, हम भी साउथ एशिया में ही आते हैं, ठीक है। तो हमारे वहाँ गेहूँ, चावल दोनों ही मुख्य, और ये बाजरा भी मुख्य रूप से बोया जाता है, मिलेट्स, ठीक है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है जो वो है ऑप्शन बी, कंचनजंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। बराक नदी निकलती है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये आपके मणिपुर राज्य से स्टेट में ऑरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ये माउंट जैपवो से निकलती है, ठीक है, बराक रिवर। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य देश की सभी चार भू आकृतिक इकाइयों को धारण करता है? तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लगता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल शायद, क्योंकि इनका पूछने का मतलब है कि चार भू आकृतियों, बोले तो मतलब समुद्र से भी लगा हुआ हो, मतलब पहाड़ियाँ भी हो, मतलब कई तरह की जो मतलब चार ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और मतलब हिल स्टेशन भी हो जहाँ पे इस तरह की चीज़, तो मतलब उसमें वेस्ट बंगाल लगता है, ठीक है। तो बाकी इसका उपयुक्त तो जो आंसर हो, अगर आपको लगता है दूसरा है तो बता दीजिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य नमक के उत्पादन में अग्रणी है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, ठीक है। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो तो है ऑप्शन डी, थियन डैम, ठीक है। थियन डैम को भी रणजीत बांध के नाम से भी जाना जाता है, रणजीत सागर बांध के नाम से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। कालाकोट कोयला क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, आप वेस्ट बंगाल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर था वो है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। विवाह की औसत आयु उच्चतम होती है, तो अगर एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए मतलब, तो क्रिश्चियंस में ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा आयु में, ज़्यादा आय उम्र होने पर ही विवाह होते हैं, ठीक है। तो एक कॉमन सेंस क्वेश्चन है, हो सकता है इसके आंकड़े कुछ गलत भी हो सकता है मेरी ओर से, लेकिन एक कॉमन सेंस आंकड़ों के आधार पे मैं बता रहा हूँ, इसमें ईसाइयों में ऐसा होता है, ठीक है, उच्चतम आयु।
औसत उच्चतम आयु विभाग की, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने देश में पुरुष साक्षरता में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोटिया जनजाति में चरवाहे कहलाते हैं, द भोटिया ट्राइब्स द ग्रेजियर्स आर कॉल्ड। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संथाली, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, दोस्तों जो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी है ये उत्तराखंड के हैं, ये टिहरी बांध से संबंधित है, इन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है, आंदोलनकारी थे इसके। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, चीनी, बंदारियन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश को लोह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा का निर्यात करता है? तो दोस्तों वैसे तो चीन को करता है, लेकिन यहाँ पर जापान ऑप्शन में है, जापान में को भी करता है, ठीक है। तो इन बाकी के देशों को छोड़कर चीन, जापान, ये सभी चीज़ें देश सर्वाधिक निर्यात करता है इनको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन थे, भारत विश्व में किसके निर्यात में अग्रणी है? तो दोस्तों जो आपको इसका राइट आंसर है, इंडिया लीड्स द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ, तो दोस्तों माइका, भारत काफी एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर है माइका। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का श्रेय किसको जाता है? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एट्रीब्यूटेड टू, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, न्यूटन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य जो भोजन खाता है उसमें होती है, तो दोस्तों जो इसमें होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, द फूड ए मैन इट्स हैज स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरल बूंद और बुलबुले इस परिघटना के कारण गोलाकार आकृति अर्जित करते हैं, लिक्विड ड्रॉप्स एंड बबल्स, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन की ओर। ये शायद मेरे वीडियो से क्वेश्चन आया है। शेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी मेरे वीडियो से क्वेश्चन आया है, तो मतलब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा कौन सा मेरे वीडियो से क्वेश्चन आया था। तो जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर शेविंग करते हुए यूज किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं, तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के द्वारा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः किसका बना होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टंगस्टन, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर जाना जाता है? तो दोस्तों जो ये इसका राइट आंसर है, इंडियाज बिगेस्ट न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर इज नाउन एज, तो दोस्तों ध्रुव, ध्रुव से, ठीक है, ध्रुव को इंडिया का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर माना जाता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रूप में व्यापक रूप में व्यापक रूप से प्रयुक्त पॉलीमर पॉलीएथीन बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोपीलीन, ठीक है। 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रोपीलीन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिफामाइसिन, रिफामाइसिन किसके उपचार में प्रयुक्त औषधि है? रिफामाइसिन इज ए ड्रग टू क्योर, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग के लिए, ठीक है। और अल्कोहलिक बेवरेज कंटेंस, तो मदिरा जो शराब होती है उसमें होता है, क्या होता है? उसमें होता है दोस्तों एथेनॉल, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते, फ्यूमाजिलिन है एक, क्या है ये एक दोस्तों, क्या है? एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मलेरियाई परजीवी संचरित होता है, मलेरियल पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एनोफिलीज, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28, उच्च कार्बोहाइड्रेट तत्व वाला नट है, द नट्स हैविंग हाई कार्ब्स कंटेंट इज, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बीच नट, ठीक है। बीच नट आप इसका देख लीजिएगा, यहाँ पे 100 ग्राम पे कितना कितना किसमें कार्ब्स है, तो उसमें इन ऑप्शनों में बीच नट ही ऐसा है जिसमें सबसे कम कार्ब्स होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके निर्माण के लिए टैनिन प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टैनिन का यूज स्याही बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मक्खन इसका उच्चतम स्रोत है? दोस्तों यहाँ पे बड़ा भारी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे जो 30 का जो राइट आंसर बन रहा है वो सी और डी दोनों में ही लगता है, क्योंकि विटामिन डी और बेटा विटामिन डी के उच्चतम स्रोत माने जाते हैं, तो मतलब इसको रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं। बाकी आपको, आपके पास इसके लिए बेस्ट आंसर हो तो बताइएगा, ठीक है। डी डी और ई दोनों ही विटामिन होती है मक्खन में।
निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, ये विदेशी नागरिकों को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है और रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो आपको पता है लोकसभा स्पीकर को इनके द्वारा नहीं किया जाता, ये संसद के द्वारा ही, जो सदन है लोकसभा स्पीकर लोकसभा के द्वारा ही चुना जाता है। तो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन सा है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो 33। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए, तो कितने महीने पहले रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक महीने पहले इसका प्रस्ताव संसद के समक्ष रखना पड़ता है, उसे अनुमोदित करवाना होता है संसद से। ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा को। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल राज्यसभा में, लेकिन इस पर लोकसभा की मंजूरी भी मांगी जा सकती है। ठीक है, तो लेकिन जो इसका प्रस्ताव रखा जाता है सिर्फ सिर्फ राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिक्किम के पास केवल एक सभा लोकसभा की केवल एकमात्र सीट है। ठीक है, विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? तो आपको पता है कि जो मनी बिल होते हैं वो अक्सर लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, इस पर राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है सिवाय एक फॉर्मेलिटी के। ठीक है, 14 दिन के अंदर उसको पास करना ही होता है। तो निजी विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक जो होते हैं, मनी बिल जो होते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति प्रदान की जाती है, तो अब वैसे योजना आयोग रहा नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप कौन देता है? तो दोस्तों जो इसको अंतिम रूप देता है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद इसको अंतिम रूप देता है पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है? तो दोस्तों जो आपको ये फाइनेंशियल इमरजेंसी बताई गई थी, ये कई बार क्वेश्चन बताया भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, 360वें वित्तीय आपातकाल की का उपबंध किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक अनुच्छेद 21A संविधान में अंत स्थापित किया? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 86वां संशोधन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ऑप्शन डी, निर्धनतम की सहायता करना, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमंग पुअर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, SJSRY। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना है इसका फुल फॉर्म है इसका है स्वर्ण जयंती, SJ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है शहरी क्षेत्रों से संबंधित है ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 44 का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन, NSSO। जब भी आपके घर में भी आए होंगे कई लोग NSSO वाले, ठीक है, तो NSSO वाले ही इसका आकलन करते हैं, गरीबी का आकलन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किसके द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो दोस्तों आपको मालूम है कि अपना जो RBI बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही एक केंद्रीय बैंकिंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टैगफ्लेशन इज निष्पंद स्फीति है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति होती है वो होती है ऑप्शन सी, मंदी के साथ स्फीति, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन,
इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन, मतलब मंदी से मतलब है जब बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ जाती है और इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब बेरोजगारी भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है वो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, महंगी मुद्रा नीति का अर्थ है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, डियर मनी पॉलिसी इम्प्लाइज, तो इसका राइट आंसर है हाईएस्ट हाई इंटरेस्ट रेट, डी उच्च ब्याज दर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा औद्योगिक विवादों के निपटान करने वाली मशीनरी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोर्ड्स ऑफ कॉन्सिलेशन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? वेन वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1986 में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपको क्वेश्चन दिख ही रहे हैं। भारत में सदाबहार क्रांति एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का आह्वान किसने किया? तो दोस्तों आपको पता है एम एस स्वामीनाथन जी ने किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राजस्थान। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स? तो ये है राजस्थान के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है सबसे पहले। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस राजनीतिक दल से? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए ये है INC से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, इनके अगस्त के महीने में डेथ हो गई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कौन सा था? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, ये अभी हाल में ही रिपोर्ट आई थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 96वां। ठीक है, 96वां स्थान है भारत का इस रैंकिंग में ई गवर्नमेंट विकास सूचकांक। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और कस्टम बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने प्रभार लिया, को किसने मतलब अपनी ड्यूटी संभाल ली? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एस रमेश ने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसकी कप्तानी में भारतीय कबड्डी टीम ने 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल जीता? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अपने अजय ठाकुर जी। ठीक है, अजय ठाकुर की कप्तानी में ये टाइटल जीता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़ को। ठीक है, तो अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। नीति आयोग ने किस तकनीकी के द्वारा उर्वरक परिदान वितरण लागू करने के लिए हाल ही में GNFC लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों किस टेक्नोलॉजी के जरिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए हाल में सुखद पाठ्यक्रम हैप्पीनेस करिकुलम प्रारंभ किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, तो प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव बेहदीन खलम 2018 किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है, मेघालय में। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लोह पुरुष प्रतिस्पर्धा पूर्ण करने वाला प्रथम सेवारत भारतीय सेना अधिकारी बना? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, विक्रम डोगरा जी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी टेलीकॉम कंपनी भारत में इंटरनेट टेलीफोनी सर्विसेज प्रारंभ करने वाली भारत की प्रथम मोबाइल ऑपरेटर बनी? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, BSNL। तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। कौन सा भारतीय नौसेना जहाज इंडोनेशिया के सेबांग बंदरगाह में प्रवेश करने वाला सर्वप्रथम युद्ध पोत बना? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, INS सुमित्रा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस शहर ने हाल ही में प्रथम नेपाल इंडिया थिंक टैंक शिखर सम्मेलन की मेजबान की? नेपाल इंडिया थिंक टैंक समिट रिसेंटली कहां पर हुई? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, काठमांडू में। करमन कोर थांडी किस खेल से संबंधित है? करमन कोर थांडी किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम इन फोन टूरिज्म गाइड और मोबाइल एप्लीकेशन गो वर्ड्स दैट
हाल ही में किस शहर में प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में स्टार्ट किया गया है ये जो ऐप है ना, एप्लीकेशन है गो व्हाट्स दैट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुहावरा है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंगूठा दिखाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो दोस्तों जो इसका शब्द इस इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईश्यालु। ठीक है, ईश्यालु, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए का सही शब्द क्या है? तो इसके लिए एक मतलब एक शब्द जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं हिंदी वाले, तो इसके लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? तो ये है ऑप्शन सी, अभीष्ट। ठीक है, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, अभीष्ट। बाल्टी में दूध है मैं कौन सा कारक है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अधिकरण। ठीक है, बाल्टी में तो मैं जहाँ पे भी आए ये अधिकरण कारक का एक फॉर्मूला है। ठीक है, आई प्रत्यय है, आपको पता है कि प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लिखाई। 71 देखते हैं, द्विजेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द्विज प्लस इंद्र, ओ प्लस ई, क्या बनता है ए, जैसा कि आपको संधि में पढ़ाया था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। औ वर्ण का उच्चारण स्थान है 72 का, जो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, गले से भी होता है, कंठ से भी होता है और ओंठ से भी होता है, औ औ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वथा भिन्न शब्द है, तो इनमें से जो सबसे अलग है तो वो कौन सा है? तो मुझे जहाँ तक लगता है वो है ऑप्शन ए, चुपचाप, बाकी सुनसान, एकाकी, अकेला, तीनों अलग है। ठीक है, चुपचाप, चुपचाप अलग लगता है इनमें से। ठीक है, तो चुपचाप या सुनसान दोनों में से कोई भी हो सकता है, एकाकी और अकेला का तो एक ही अर्थ होता है, अकेले में। ठीक है, लेकिन सुनसान और चुपचाप में सुनसान ही ज़्यादा उपयुक्त लगता है, लेकिन देख लीजिएगा, हाल का उपसर्ग है। तो दोस्तों जो इसका हाल का जो उपसर्ग है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं ऐसा कोई यहाँ पे उपसर्ग बन नहीं रहा है, क्योंकि हाल उपसर्ग जो लगता है वो पहले लगता है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये बन सकता था कि हाल का प्रत्यय क्या है, क्योंकि प्रत्यय बाद में जुड़ता है, तो यहाँ पे हाल जो बन रहा था वो बन रहा था ऑप्शन ए में, खुशहाल। हाल किसका प्रत्यय, अगर प्रश्न इस तरह से पूछा जाता कि प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय होता तो इसका राइट आंसर होता खुशहाल। तो हाल यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि किसका उपसर्ग हो सकता है, क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है, तो ऐसा कोई लग नहीं रहा। लेकिन अगर लगता है आपको कि इनमें से है कोई डायरेक्टली, अगर कहीं क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, लेकिन है नहीं है, लेकिन ये प्रश्न गलत है। ठीक है, आह्वान का विपरीत अर्थक है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 75 का वो है ऑप्शन बी, विसर्जन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, अब थोड़े से गणित के क्वेश्चन है, 76, ये जो संख्या ये 11 के जो 11 से विभाजित होती है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों 76 का वो है ऑप्शन ए। ठीक है, 462। अब जो ये था ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है 77 का वो है ऑप्शन बी, 3/4। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें क्या समझाने वाली बात ही नहीं। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे 5,000 नहीं आएगा, 50,000 आएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर, 79, 79 पे मुझे दिक्कत होने लगी, मैंने नहीं किया, लेकिन इसका जो 80 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसका 34 राइट आंसर आना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम और श्याम साथ में मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को अकेले, तो यहाँ पे राम और श्याम कितने दिन में कर रहे हैं आपको बताएं कि ये 1/8 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, 1/8 दिन में, और उसको मतलब राम कितने दिन में करता है उसी कार्य को अकेले, तो राम करता है 1/12 दिन में। ठीक है, अब आपको बताना है कि श्याम अकेले कितने दिन में करेगा, तो श्याम बराबर 1/8 ही। ठीक है, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 24। ठीक है, और ऊपर 3 - 2 तो 1/24, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो श्याम है 1/श्याम है। ठीक है, 1/श्याम, तो श्याम बराबर कितना हो जाएगा,
24, ठीक है, 24 दिन में करेगा ये। इस तरह से ये जो कार्य और समय के सवाल है ना, ये काफ़ी अच्छे हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब बहुत आसानी से हो जाते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात करें, अगर आप बताएं कि मैथमेटिक्स भी आए सर, ये लॉजिकल क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि मैं इस वीडियो में सिर्फ 85 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बाकी के 85 जो बचेंगे वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। 82 का देख लेते हैं। एक एथलीट 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में दौड़ता है, तो उसका उसकी चाल है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन 82 का है ऑप्शन डी। अब बताएंगे आप कैसे। तो सबसे पहले तो आपको 24 सेकंड को मिनट में बदलना होगा, ठीक है, किलोमीटर प्रति मतलब इसको बदलना होगा। पहले तो 24 को गुणा 5/18, ठीक है, इसको आप पहले तो चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 18 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 3 18, यहाँ 6 चौके 24, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 5 20/3, ये हो गया आपका टाइम 20/3, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है आपके पास, 200, और टाइम कितना है, 20/3। अब 3 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, 20 धम 200, तो 10 तिया क्या हो जाएगा, 30, 30 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 वर्ग क्षेत्रफल वाले वर्ग में रखे जा सकने वाले बांस की बड़ी से बड़ी साइज है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा, आपको पता है कि क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, जो भी है क्षेत्रफल कितना है 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो मतलब अधिकतम लंबाई कितनी, मतलब आपको बताया कि वर्ग की लंबाई कितनी है, तो 10, अधिकतम लंबाई उतनी ही तो होगी, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है, 10 मीटर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो ये जनवरी मतलब ये आया है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है, ट्यूसडे इसका राइट आंसर है। 1 जनवरी 2007 को अगर सोमवार था, तो 1 जनवरी 2008 को क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो 85 का जो राइट आंसर है, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां सीधी होती है, तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 बार, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं 85, वो अगले वीडियो में जल्द ही शेयर करूंगा, और इतने में जितना भी बन रहा है आपका, सच्ची सच्ची बात अपने कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं एक पोल करूंगा अपने चैनल के कम्युनिटी पे जाके, वहाँ पे अपना जो भी स्कोर आएगा कल तक ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी, मतलब आपको ज़्यादा दिन तक डाउट में नहीं रहना पड़ेगा, कल ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, तो उसके बाद भी मिला लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी इस समय कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो सकते हैं तो बता दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई गलत होगा, ठीक है। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए PSD के साथ।